नमस्कार, मैं आशा, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। डिगलीपुर का रहने वाला एक लड़का हुआ लापता। 3 तारीख को सुबह 11 बजे प्रशांता दास आके गांव निवासी, उम्र 20 साल, प्रशांता डॉलीगंज के ITI सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। वह लापता होने से पहले ITI के हॉस्टल में थे। यदि किसी को भी प्रशांता के बारे में किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमने प्रशांता के परिवार से संपर्क किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं न्यूज आप तक से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। हमें एक मिसिंग न्यूज की खबर मिली थी, उस बारे में आपसे कुछ पूछना था। जी जी बोलिए। जो मिसिंग हुआ उनका नाम क्या है? उनका नाम प्रशांत दास है। आप उनकी क्या लगती है? हम उसको भाभी है। भाभी जी, किस दिन मिसिंग हुए थे वो? कल 11 बजे से उनका कोई फोन में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कल सुबह 11 बजे से। ओके, उनकी उम्र कितनी थी? जी एज उनका 20। क्या करते थे वे? वो ITI में सेकेंड ईयर में पढ़ते थे। अभी जैसे वो 30 तारीख को ही घर से गए हैं, कॉलेज खुलेगा करके 30 तारीख को घर से गए हैं। तब से जब हम लोग घर से जाने के बाद तो कांटेक्ट हुआ था, फिर कल से हम लोग जो मेरा छोटी नहन जो पोजला में रहती है वो फोन करती थी तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो हम लोग भी यहाँ से फोन करे तो स्विच ऑफ आता है, तो हम लोग को तब से पता चला है कि आज सुबह से हम लोग को कंफर्म है कि वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग उसका जो फ्रेंड है हॉस्टल का, उस लोग को फोन करे थे, फोन करके पूछे थे कि प्रशांत को कहाँ है, कुछ पता है कहाँ गए हैं, तो उन लोग से कांटेक्ट करके हम लोग को पता चला है कि वो सुबह गए थे, सबसे पैसा पूछे थे उनको, उसका कुछ पैसे का जरूरत है। जी तो हम लोग क्या मुझे पैसा देख रहे थे हाथ में, और जितना खर्चा चाहिए और प्लस जो भी चाहिए पैसा हम लोग घर से दे के भेजे, लेकिन फिर भी वो उन लोग फ्रेंड सर्कल से पैसा पूछे थे, 2000-3000 जो भी है सबसे पूछे। पूछने के बाद उनका दीदी से भी पूछे, तो दीदी से भी पूछने के बाद तो दीदी ने पूछा है तुमको इतना पैसा क्या जरूरत है, तो वो कुछ नहीं बताया। बताने के बाद फिर दीदी 1000 रुपया दिया, मतलब भाई पूछ रहा है ना तो दिया है 1000 रुपया। फिर हॉस्टल से कोई फ्रेंड से पूछे थे तो फ्रेंड भी 3500 रुपया दिया। देने के बाद फिर वो उस लोग तो बाकी जो फ्रेंड्स है वो सब कॉलेज निकल गए। फिर वो कॉलेज उस दिन नहीं गया, मतलब कल कॉलेज नहीं गया, तो एक फ्रेंड ने पूछा था कि तुम कॉलेज नहीं जाओगे, तो बोलते नहीं मुझे काम है बाहर, मैं वो करके शाम को आके बताऊंगा इतना क्या करना हमने लिया है। तो उसके बाद से तो अभी सुबह कॉन्टेक्ट करके हम लोग को पता चला है कि वो कल से जो 2-11 बजे गए है तब से वो हॉस्टल में नहीं आए, और तब से उसका फोन स्विच ऑफ बता रहे हैं। जी मैम, वो कहाँ के रहने, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग डिगलीपुर आरके ग्राम में रहते हैं। अच्छा, जब वो प्रशांता मिसिंग हुए थे तब ये कहाँ पे थे, हॉस्टल में या फिर किसी के घर में? नहीं, वो हॉस्टल में ही थे, हॉस्टल में किसी घर में नहीं, हॉस्टल में ही थे, हॉस्टल से वो निकले आउटिंग लेके। तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए थोड़ा ये न्यूज थोड़ा वायरल करके ताकि वो मिल जाए, क्योंकि घर में पूरा परेशान है, सब रो रो के एकदम हालत खराब है। आप लोग ने रिपोर्ट करा था स्टेशन में? जी पुलिस स्टेशन कम्प्लेन करे थे हम लोग, तेलाबाद पुलिस स्टेशन कम्प्लेन करे, फिर हम लोग डिगलीपुर पुलिस स्टेशन कम्प्लेन कर रहे हैं, पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, उन लोग कॉलेज गए हैं, पूछ रहे सबसे। तो अब तक उन्होंने कुछ कहा नहीं आप लोगों को? नहीं, अब तक उन लोग से कॉन्टेक्ट हो रहा है, उस लोग कुछ नहीं पता कर पाए, हम लोग सर्च कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।